गाइस वेलकम बैक टू अगेन माय न्यू ब्लॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन मंचूरियन। सोयाबीन मंचूरियन के विषय में आपको बताता हूँ कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें मिला के सोयाबीन मंचूरियन बनाते हैं। जैसा कि बताएं कि ये मैं मेरे घर पे बनाता हूँ, ये हमारे हम लोगों की अपनी रेसिपी है, कहीं से हमने इसकी कॉपी नहीं किया है। और मैं खुद एक होटल वाला बंदा हूँ तो इसलिए मैं मेरे अनुसार इसको बना रहा हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई जाएगी वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, तो आप अपने घर पे भी इसको बना सकते हैं और एकदम शुद्ध देसी चाइनीज़ का मज़ा ले सकते हैं। ओके गाइस, तो लेट्स शुरू करते हैं। पहले हमने लिया है ये फॉर्चून का सोया चंक्स, आप देख सकते हैं कितने लोग बनाने हैं उसके अनुसार हमने ये लिया हुआ है क्वान्टिटी। और मसाले के लिए हमने मंगाया थोड़ा सा एक पैकेट ये वेज चिंग्स का वेज मंचूरियन मसाला। और हमारे पास सॉसेस हैं जैसे कि डार्क सोया सॉस, रेड चिली सॉस, वाइट विनेगर, ग्रीन चिली सॉस, थोड़ा सा टेस्ट के लिए थोड़ा सा केचप भी, टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं। और पहले सोयाबीन को हम क्या करते हैं, पानी में भिगो देते हैं। देखिए हमने भिगो दिया, हल्का सा इसको गर्म कर देते हैं, इसमें नमक डाल देते हैं और ये अब बॉयल हो चुका है रेडी। मैंने इसको गर्म कर लिया है और ये मैंने कुछ वेजिटेबल्स हैं, जैसे मैंने ये अदरक है इसको मैंने चॉप कर लिया है, लहसुन है, प्याज है, हरी मिर्च है और ये शिमला मिर्च है और ये गाजर है, ये मैंने कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा ये कॉर्नफ्लावर और मैदा मिला के इसको कोटिंग करूँगा। फिर कोटिंग कैसे करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। इसको छान लिया है सोयाबीन के पानी को जो पहले किया था, इसको थोड़ा सा हम निचोड़ लेते हैं। निचोड़ के क्या इसके अंदर का पानी निकल जाएगा। और आपको बता दें जब इसको हम बॉयल कर रहे थे तो इसमें हल्का सा हमने नमक भी डाला हुआ था अपने हल्का सा स्वाद के लिए। और इसके बाद ऊपर से भी हम हल्का सा नमक अपने टेस्ट के अनुसार हम स्वादानुसार इसमें मिलाएँगे। ये हमने निचोड़ लिया है। देखिए कोटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि हमने दिखाया था आपको मैदा, इसको कोटिंग कर देंगे तो क्या जब इसको हम ऑयल फ्राई करेंगे तो ये कड़क होगा, थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा अच्छे से, थोड़ा क्रिस्पी रहेगा। इसके लिए हम मैदा और ये कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको मानक तो नहीं बता सकता कितना ग्राम होना चाहिए, बट आप अपने हिसाब से मिला लीजिए, बहुत ज़्यादा ना हो, हल्का कोटिंग हो जाए थोड़ी सी कलर आने के लिए। इसमें हल्का सा हम हल्दी, थोड़ा येलोइश कलर आ जाएगा जो काफ़ी खूबसूरत लगेगा देखने में, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर इसमें मिला देते हैं तो हल्का सा तीखापन भी रहेगा और कलर भी आ जाएगा। हल्का सा नमक भी मिला देते हैं स्वाद के लिए। क्योंकि ऑलरेडी इसमें नमक है तो नमक को बहुत हिसाब से डालना है कि नमक ज़्यादा ना हो जाए, नहीं तो पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। हल्का सा पानी डालते हैं हम कोटिंग करने के लिए, इसको मिला लेते हैं प्रॉपर। आप देख सकते हैं इसका कलर कैसा चेंज हो गया है, हल्का येलो और रेड, लाल और पीलापन आ गया है इसके अंदर। ये हमारा तैयार हो गया है कोटिंग के लिए, कोटिंग हो गया है इसका। ये कोटिंग रेडी हो गया है सोयाबीन का, तो हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा प्रॉपर गर्म हो गया है पूरा और हम इसको भी फ्राई कर लेते हैं। गाइस जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग हमारे चैनल को नीचे दिए हुए लाल बटन पे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
आँच को थोड़ा सा मीडियम रखें, नहीं तो क्या होगा ऊपर जल जाएगा। ये देखिए कैसा रेड रेड हो गया है। क्रिस्पी हो जाएगा, देखिए ये फ्राई हो गया है पूरा, इसका कलर भी एकदम पूरा रेड हो गया है, ये कड़क हो गया है। तो इसको आप ऐसे भी खा सकते हो। देखिए ये तैयार हो गया है, एकदम इसका कलर लाल हो गया है और ये क्रिस्पी भी हो गया। आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, काफ़ी बहुत टेस्टी लगता है ऐसे भी खाने के लिए, क्योंकि इसमें सॉल्ट भी मिला है और हल्की मिर्ची है मिलाया है कोटिंग के लिए। ये बात तैयार हो गया है गाइस। देखिए हमने ये फ्राई कर लिया, पूरा रेड रेड क्रिस्पी एकदम तैयार है सोया बड़ी। अभी हमने ये थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मिलाया है, इसको ग्रेवी बनाएंगे, मंचूरियन ग्रेवी बनाना है। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने इसको लिया है, थोड़ा सा ग्रेवी में थिकनेस आ जाती है इसकी वजह से। तो ये हमने कॉर्नफ्लावर को, एक चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, थोड़ा सा पानी, और ये बढ़िया टेस्ट के लिए देसी मंचूरियन खाने के लिए चिंग्स वेज मंचूरियन मसाला इसमें हम डाल देते हैं इसका ग्रेवी बनाने के लिए, एकदम टेस्टी हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा इसको और टेस्टी बनाना, तो आप अलग से काला मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर और सॉल्ट, इसमें सॉल्ट भी होता है, आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी मैंने तो उसमें डाला हुआ था, तो मुझे नहीं लगता कि एक्स्ट्रा आपको मिलाने की जरूरत पड़ेगी, बट फिर भी अपने अपने स्वाद के अनुसार। ऐसे भी नमक कम खाना चाहिए, नमक कम खाएं और अच्छा खाएं। तो हम ये थोड़ा सा ग्रेवी थोड़ा सा रेडी कर लेते हैं इसको, फिर बंद कर दूं। देखिए गाइस, हमने ये ग्रेवी के लिए हमने घोल तैयार कर लिया है, जो मंचूरियन मसाला और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर जैसा आपको बताया था ला करके ये रेडी है। अब हम ऑयल गर्म हो गया है, फिर तो हम पहले हल्का सा ग्रीन चिली, ज़्यादा नहीं, ग्रीन चिली थोड़ा ही डालें, फिर ये गार्लिक, गैस को हल्का स्लो रखें, गार्लिक, जिंजर, आप एक साथ में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारा अपना तरीका है बनाने का। थोड़ी सी कैरेट, गाजर, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, फ्राई कर लेते हैं, सेलो फ्राई, हल्का सा सब पक जाए, पूरा इसको जलाना नहीं है, वैसे हल्का सा पक जाए। मुझे भी ध्यान रखते हैं, ओके। देखिए ये हमारा अभी ये पक गया है, तैयार हो गया है, तो हम इसमें डाल देते हैं जो हमने ये ग्रेवी के लिए तैयार किया था मसाला। मैं और थोड़ा सा पानी मिला देती हूँ, अपने स्वाद के अनुसार सॉसेज मिला दी। हम यूज कर रहे हैं चिंग्स का ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस,
ये भी चिंग्स का है, ये है रेड चिली सॉस। हमने यहाँ पे सारी चीज़ें चिंग्स का इस्तेमाल किया है, नॉर्मली हम चिंग्स का इस्तेमाल करते हैं अपने घर पे। हल्का सा हम वाइट विनेगर डालेंगे टेस्ट के लिए। देखिए हमारी ये ग्रेवी रेडी हो गई है, हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें नमक और बाकी के इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट प्रॉपर है। एकदम परफेक्ट है, फर्स्ट क्लास। सॉसेज वगैरह आप आपके हिसाब से ला सकते हैं। ये देखिए ग्रेवी तैयार है, तो हम इसमें सोया बड़ी को डाल देते हैं। ये रेडी हो गया है, अब आप इसको खा सकते हैं फ्राइड राइस के साथ, प्लेन राइस के साथ आप फ्राइड राइस बना लीजिए, फ्राइड राइस के साथ खाइए, घर में स्टीम राइस के साथ खाइए आराम से। ये हमारा तैयार हो गया सोयाबीन मंचूरियन। आप सोयाबीन मंचूरियन का बनाइए अपने घर में और उस देसी चाइनीज को एंजॉय कीजिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोग मेरे चैनल को, जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम इसी तरीके से हर बार एक नया नया वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आप हमारे वीडियो को एंजॉय करते रहेंगे। सो गाइस, थैंक यू।